हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए शलजम के भरते की रेसिपी लेके आई हूँ, जो खाने में बहुत ही टेस्टी है, सर्दियों में बहुत अच्छा लगता है और बनाने में आसान है। वीडियो पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं शलजम के भरते की रेसिपी। ये मैंने 250 ग्राम शलजम लिया है, आलू के जैसा होता है ये। अब इसे हम छील लेते हैं। पहले इसको निकाल देंगे। मैंने इसे छील लिया है, देखिए। अब हम इसे आलू की तरह काट लेंगे बिल्कुल। तरह से चॉप करके रख लिया है। सबसे पहले मैं इसे छोंक कर पकाऊंगी कुकर में, उसके बाद हम इसे तड़का लगाएंगे अलग से, तब भरता तैयार होगा शलजम का। तो गैस की तरफ चलते हैं। अब गैस पे मैंने कुकर रखा है, इसमें मैंने छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद अब हम शलजम डाल देंगे जो चॉप करके रखी है। इन्हें अभी पकाएंगे थोड़ा, कम मसाला डाल। अब इसमें मसाले ऐड करते हैं। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी। अब इन सभी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से शलजम को पकाएंगे पहले, भरते से पहले, तो जो मसाले हैं जो शलजम में अच्छी तरह अंदर तक समा जाएंगे और इसका टेस्ट है वो बहुत अच्छा लगेगा। फिर अब हम इसमें आधा ग्लास पानी डालते हैं, इसका ढक्कन बंद कर देते हैं और इसमें 2 सीटी आने देते हैं। गैस की फ्लेम फुल कर देंगे। शलजम के भरते के लिए अब हम क्या करेंगे, मैंने ये 2 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और ये मटर है। मटर ऑप्शनल है, अगर आपको भरते हुए मटर अच्छे लगते हैं तो डालें, नहीं तो स्किप कर दें। अब मैं इनका पेस्ट बना लेती हूँ। अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो लहसुन प्याज का भी पेस्ट बना लें आप। मैंने टमाटर मिर्ची और अदरक का पेस्ट बना के रख लिया है। इस तरह से गैस की तरफ चलते हैं और इसका तड़का तैयार करते हैं। गैस पे मैंने एक पैन रख दिया है, उसमें 1 चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। गैस की फ्लेम में बिल्कुल स्लो मीडियम कर देंगे। जीरा डालते हैं 1/2 चम्मच, फिर हींग डालेंगे डालेंगे इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे भरते का कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम डाल देंगे इसमें जो टमाटर का पेस्ट है ये। अब इसे हम अच्छी तरह फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को फुल कर देंगे, इसमें उबाल आने देते हैं अच्छी तरह। टमाटर के पेस्ट में अच्छी तरह उबाल आ गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच चीनी डाल रही हूं मैं। शलजम के भरते में चीनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, आप नहीं डाले तो स्किप कर सकते हैं चीनी को। मैं डाल देती हूँ ये मटर, मैंने ताजा मटर लिए हैं। अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। मटर है वो नरम हो जाए और मसाला अच्छी तरह भुन जाए, उसके लिए गैस की फ्लेम को मीडियम स्लो रहने दें। देखिए अच्छी तरह ये पक चुकी है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे मैसर से या चम्मच से, इस तरह से बिल्कुल। मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, देखिए इस तरह से इसका पेस्ट बन गया है। और मैंने इसमें 2 सीटी लगवाई थी कुकर में, उसके बाद 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही ढक के रख दिया था। अच्छी तरह उबल गया है। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। मसाला भी तैयार हो गया है हमारा, चेक कर लेते हैं। तैयार हो गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। मटर को भी चेक कर लेते हैं, मटर अच्छी तरह सिके कि नहीं। मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब हम शलजम का जो हमने पेस्ट बना के रखा है इसको डालेंगे इसमें।
आधा चम्मच गरम मसाला मिला रही हूँ मैं इसमें, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, और इसे मिक्स करके अब हम इसे ढक के रख देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह हमारा जो भरता है वो टमाटर के पेस्ट में मिक्स हो जाए और इसमें एक उबाल आ जाए अच्छा सा। 2 से 4 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं इसे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो मीडियम रहने दें और इसे अच्छी तरह पकने दें। लेते हैं भरते को। 2 से 4 मिनट हो गई है, देखिए भरता अच्छी तरह बन के तैयार है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। हमने जूस लिया है, इसको डाल देंगे। अगर आपको ज्यादा खट्टा पसंद है तो आप ज्यादा जूस डाल दें इसमें। मिक्स कर लेते हैं और डाल देंगे थोड़ा। गैस को बंद कर देते हैं और इसे बाउल में निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। सलजम का भरता बनके तैयार है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छा लगता है सर्दियों में इसे बना के खाना। बच्चों को आप सर्दियों में इसे जरूर बना के खिलाएं, ये बहुत फायदेमंद भी होता है। और आप इसे पूड़ी पराठे सादा रोटी के साथ खाएं, नान के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। ये अगर मेरी सलजम के भरते की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको कैसा लगा। थैंक यू।